ट्रेड यूनियन की महाहड़ताल के साथ व्यापक असर इसका देश भर में देखने को मिल रहा है। एक दिन की हालांकि महाहड़ताल है, लेकिन असर इसका काफी दूरगामी है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी साफ तौर पर महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है। सूबे के तमाम बड़े बड़े कर्मचारी संगठन हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर बल प्रयोग किया तो खामियाजा सरकार भुगतेगी। हड़ताल में कुल 10 यूनियन शामिल हैं, जिसमें करीब 18 करोड़ कामगार हैं जो इस बंद का हिस्सा हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 करोड़ कामगार इस महाहड़ताल का हिस्सा हैं, तो उसका कितना व्यापक असर देश भर में अलग अलग सिस्टम के हिस्सों में नजर आ रहा होगा। बंद के चलते सरकारी निजी क्षेत्र के बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, कई सरकारी निजी उपक्रम सब में सबका काम ठप। अब ट्रेड यूनियन की महाहड़ताल का जो देशव्यापी असर है वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में भी ट्रेड यूनियन की महाहड़ताल का असर नजर आ रहा है। सूबे के तमाम बड़े कर्मचारी संगठन हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। बल प्रयोग किया तो सरकार खामियाजा भुगतेगी, चेतावनी दी इन लोगों ने। 10 केंद्रीय श्रम संगठन इसमें शामिल है। 18 करोड़ की संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया इसमें। सरकारी और निजी क्षेत्र के तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज हड़ताल में शामिल हैं। कई सरकारी निजी उपक्रम भी हड़ताल का हिस्सा हैं। कोल इंडिया, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ऑयल, एचएएल और भेल भी हिस्सा। रेडियोलॉजिस्ट भी महाहड़ताल का हिस्सा हैं। हड़ताल के चलते यातायात, बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। खनन की बात करें, रक्षा, गैस, तेल क्षेत्र सब में हड़ताल का असर। तो आपको हम 4-5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई की, दूसरी सिलीगुड़ी की, तीसरी लखनऊ की, कर्नाटक त्रिवेंद्रम यानी की उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप्स पर ताले जड़े हुए हैं, दुकानें वीरान पड़ी हुई हैं, अस्पताल पर भी इसका असर है। कुल मिलाकर जो 18 करोड़ कर्मचारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं उसका देशव्यापी असर मिल रहा है। अब तस्वीरें देखिए आप, हम आपको उत्तर प्रदेश के विजुअल दिखा रहे हैं। पहला वाराणसी से है, दूसरा आगरा का विजुअल आपको दिखा रहे हैं और तीसरा मुरादाबाद का। अस्पतालों में भी वीरानी है, बैंक्स बंद है, तमाम ऑफिसेस पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सेफ्टी बिल को लेके पूरे भारत वर्ष में स्ट्राइक दोबारा की जा रही है। केंद्र सरकार जो एक विधेयक पास करना चाहती है ड्राइवर की जिम्मेदारी फिक्स करके उसको 3 लाख रुपए जुर्माना एक्सीडेंट की दशा में या 7 साल की सजा के विरोध में पूरा भारत बंद है आज। ये एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, एनडीए गवर्नमेंट वो एम्प्लॉयज के, वर्कर्स के खिलाफ वो ले रहे ना, उस वजह से ये स्ट्राइक काल का दिए। इसके पहले हम 12-12 चार्टर ऑफ डिमांड्स दिए थे गवर्नमेंट्स को, उसमें एक भी मान लिए। हमारी ये मांग है भाई, ओला उबर बंद कर दे बस, या तो फिर ऑटो के ऊपर किराया होना चाहिए। 8 लाख 10 लाख की गाड़ी है, पता नहीं वो 6-6 रुपए किलोमीटर में कैसे कम किराए में जाती है। या तो चले तो कम से कम रेट ऊंचा होना चाहिए ऑटो से, कम से कम 13 रुपए। इसमें जो है करीब 14-15 केंद्रीय कर्मचारी संगठन जो है भाग ले रहे हैं और सबका एक ही है कि सरकार ने जो पे कमीशन दिया है वो अगले 10 वर्षों तक के लिए है और उसमें जो है इन कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। केवल सरकार दिखावे के लिए अखबारों में, न्यूज चैनलों में, मीडिया में दे रही है कि हमने जो है 3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसा बढ़ा दिया। एक महीना से हम लोग लगातार पुचर कर इश्यूज को सामने ले आए। हम लोग पेंशन, मिनिमम पेंशन, मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी, महंगाई, पहले है महंगाई तो बाजार में जाकर का सब्जियों का सबसे ज्यादा महंगाई लास्ट महीना में सबसे ज्यादा महंगाई पाइकारी और इंडेक्स और खुचरा इंडेक्स एकदम हाई हो गया। तो इस महाहड़ताल का देशव्यापी असर पड़ रहा है। सीधे लखनऊ चलते हैं, संकेत निश्चित से जानते हैं उनके आसपास काफी लोग भी हैं कि इसका कितना असर पड़ रहा है। संकेत, आपके आसपास लोग, उनकी जुबानी में जानना चाहूंगी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर हर तरफ जो है असर नजर आ रहा है। पिछले साल 14 लाख कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया था, 14 करोड़ माफ कीजिएगा, और इस साल संख्या 18 करोड़ जा पहुंची है। बड़ा असर
सिस्टम की सारी बुनियादी जरूरतों पर व्यापक असर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस महाहड़ताल का असर उत्तर प्रदेश में साफ देखा जा सकता है। यहाँ पे परिवहन से लगा के बैंक तमाम विभागों में ये हड़ताल का मिला जुला असर है। वहीं हम खड़े हुए हैं इस समय बलरामपुर अस्पताल में, यहाँ पे नर्सेस संघ भी हड़ताल पे है, क्योंकि नर्सेस संघ की देश स्तर पर मांग ये थी कि हमारे वेतन विसंगतियाँ और भत्ते तमाम मांगे थी जो कि पूरी की जाएं। कई बार इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से, जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे बात किया, लेकिन वहाँ पे इनको सिर्फ वादे इनसे किए गए और एक महीने का टाइम दिया गया था कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, वो एक महीना लगभग पूरा हो गया है। इससे नाराज नर्सेस संघ पूरे देश में हड़ताल पर है। इस समय हम बलरामपुर अस्पताल में हैं, यहाँ पे भी नर्सेस संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं और नर्सें मौजूद हैं जो कि हड़ताल पर हैं। बिल्कुल संकेत मिश्रा, आपके साथ नर्सेस संघ के जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि उनकी जो बुनियादी मांगे हैं, जो बेसिक उनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दरअसल है क्या और किस तरीके से अप्रोच किया गया उनकी तरफ से और क्या उनको झूठा आश्वासन मिला। संकेत मिश्रा, उनसे बात करना चाहेंगे हम। हमारे साथ हैं नर्सेस संघ के उत्तर प्रदेश के महामंत्री अशोक जी, हम इनसे बात करते हैं, ये आपको बताएंगे क्या मांगे हैं उनकी और क्या इनके साथ वादा खिलाफी की गई है। ये हमारी मांग है 5400 पीबी बैंड 3 एंट्री पे, वो हमको नहीं किया गया है। हमारे अलाउंसेस काट दिए गए हैं, एएनएस के पदनाम को खत्म करके दूसरा पदनाम कर दिया गया है, डीएनएस का जो पदनाम था वो पदनाम हमारा खत्म ही कर दिया गया है। इन सारी बातों को लेके हम लोग 8 दिसंबर 2015 से हड़ताल पे वादा कर करके सरकार के बार बार वापस हो रहे हैं। अब हमारा टूट चुका है सब्र का बांध, इसलिए अब हम लोग आंदोलन पे बाध्य हो गए। अभी अभी हम लोग को पता लगा है कि दिल्ली में जो हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको पार्लियामेंट चौकी में गिरफ्तार कर दिया गया है। इसका अगर गिरफ्तारी यहाँ भी शुरू होती तो हम सारी नर्सेस पूर्ण रूप से गिरफ्तारी देने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी नड्डा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सांसद यहाँ के माननीय राजनाथ सिंह जी, जो एक महिला को 2 घंटे भी नहीं बर्दाश्त कर पाए गिरफ्तार किए हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आपकी जो मांग है, अगर आज ये मांग नहीं पूरी की जाती है तो क्या इसी तरह से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे? देखिए, हमारी मांग तो पूरी नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू कर दिए हैं, हमारी जीके खुराना मैडम को गिरफ्तार कर लिए हैं, तो हमारी मांग तो नहीं लग रहा पूरी। उत्तर प्रदेश में बीमारियों का कहर है ही, इस समय सारे अस्पताल फुल हैं, ऐसे में नर्सों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी तरह की कोई अगर नर्सों कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपको नहीं लगता कि कोई दूसरा भी रास्ता हो किसी की जान, क्योंकि मरीजों की जान जोखिम में है इस समय? जो 5400 पीबी बैंड 3 की डिमांड हम 9 महीने पहले से मांग रहे हैं, ये कोई मेरी नई मांग नहीं है। 9 महीने से सरकार 3 बार हमको दिया है, 3 बार हमको धोखा दिया गया है। तो अब माननीय नड्डा साहब ने 1 अगस्त को कहा था कि 30 दिन के अंदर मांगे नहीं। चलिए, संकेत मिश्रा हमारे साथ थे, उनके साथ तमाम नर्सेस संघ के लोग मौजूद थे, उनके अध्यक्ष मौजूद थे और सीधे तौर पर कहना है कि हमको बार बार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। संकेत मिश्रा, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो संकेत के पास फिर से लौटेंगे। तो यहां पर जो देशव्यापी हड़ताल का असर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर तरफ कमोबेश वही हालात हैं। डिमांड्स इनकी क्या हैं? उन पर हम बात करेंगे और सीधे चलते हैं सौरभ भाटिया के पास। सौरभ भाटिया, जो असर नजर आ रहा है, जो दूरगामी परिणाम, उन पर बात करने से पहले यहां पर 12 सूची मांगे हैं। कल भी वही मांग थी, आज भी वही मांग है। सरकार झूठा आश्वासन देती है और जो केंद्रीय श्रम मंत्री है बंडारू दत्तात्रेय, वो साफ तौर पर यूपीए सरकार पर इसका जो पूरे तरीके से खामियाजा जो है वो डाल रहे हैं। ऐसे में एनडीए की जिम्मेदारी जो है वो उससे मुकर रही है। लोगों को आश्वासन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। कैसे यहां पर इसका असर नजर आ रहा है, पहले ये बताइए, उसके बाद तमाम असर की बात करेंगे। देखिए, लगातार जिस तरीके से ट्रेड यूनियन जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है, सरकार से वार्ता होती है, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, जिसके चलते आज जो ये देशव्यापी हड़ताल हुई है। पहले जब जो है 14 करोड़ कर्मचारी सड़कों पर थे और आज स्थिति जो है 18,000 कर्मचारी जो आज सड़कों पर है। कर्मचारी ट्रेड यूनियन के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप लोगों को जो है मांगों पर जो है अमल करने की बात की जाती है, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जो उस पर काम नहीं हो पाता है, आखिरकार कहाँ ऐसी जो है चूक रह जाती है जहाँ जो आप लोगों की मांगे नहीं मानी जा सकती है? देखिए, पिछली 12 सितंबर 2015 को हमने एक दिन की हड़ताल करी थी, 12 सूत्री हमने मांग पत्र दिया था,
उस 12 सूत्री मांग में एक भी मांग पर मोदी सरकार ने विचार नहीं किया। अभी 25 और 26 अगस्त को उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने फिर दोबारा वही हमें बातचीत का झुंझुना बनाया। हमने उनकी तो देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ सौरभ भाटिया वहां से थे, उनके साथ तमाम ट्रेड यूनियन के लोग थे। वो जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 12 सूची हमारी मांगे हैं। पिछले साल 12 सितंबर 2015 को हमने महाहड़ताल की थी, उस दौरान 14 करोड़ कामगारों ने इसमें शिरकत की थी। किसी भी डिमांड पर 12 सूची मांगों में से गौर नहीं फरमाया गया सूबे की देश की सरकार की तरफ से। अब एक बार फिर से वही असर है, वही डिमांड्स है, और ट्रेड यूनियन की डिमांड्स क्या है इस पर एक गौर फरमाते चलिए। लेबर लॉ के तहत वर्कर्स को हायर एंड फायर की अनुमति न दी जाए, कर्मचारियों को एक समान सामाजिक सुरक्षा कवर देने की मांग की गई है, विभिन्न जगहों पर खाली पड़े पदों को जल्द भरने की डिमांड है इसके अंतर्गत। उन 12 डिमांड्स का हम जिक्र कर रहे हैं। अखिल भारतीय जन वितरण प्रणाली के माध्यम से महंगाई कम करने की डिमांड है, सरकारी कंपनीज बैंक का विनिवेश बंद करने की मांग भी इसमें शामिल है। 12 सूची मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और इसी सिलसिले में जो नर्सेस हैं वो भी आज हड़ताल में हिस्सा ले रही है देश भर की। वेतन विसंगति समेत बहुत सारी मांगे हैं, उनको लेकर हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर, इमरजेंसी सर्विसेज पर पूरे तरीके से पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हलकान में पूरा सूबा है, महामारी का संकट लगातार बना हुआ है वहां पर। ऐसे में मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती ही जा रही है, और उन हालात में ये परिस्थितियां जो पैदा हो रही है महाहड़ताल की, उसका असर बहुत व्यापक देखा जा रहा है। सारी सेवाएं, लगभग सारी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जो अस्पतालों में ठप है, मरीजों को परेशानियां होंगी। और इस बीच यूपी नर्सेस संघ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आमने सामने आ चुके हैं। यूपी स्वास्थ्य निदेशालय नर्सेस की चेतावनी दी है, हड़ताल करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी उनको जारी की गई है। वेतन विसंगतियों को लेकर पूरे देश में नर्सेस संघ ने आंदोलन की घोषणा की है। आज नर्सेस संघ के पदाधिकारी और पूरे देश की नर्सें हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हम खड़े हुए हैं इस समय। यहाँ पे हम बात करते हैं, नर्सेस संघ के महामंत्री हैं अशोक जी, इनसे बात करते हैं कि क्या मांगे हैं आपकी और आप किस लिए हड़ताल पे हैं। अशोक जी बताइए, आज किस लिए हड़ताल पे हैं आप लोग? हम लोग हड़ताल पे इसलिए है कि 5400 पीबी बैंड 3 के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से तीन तीन दौर की वार्ता हो चुकी, उन्होंने लिखित समझौता दिया है, परंतु आज तक हम लोग का वो डिमांड नहीं पूरा हुआ। हमारे एएनएस का पद है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट था, उसको बदल के इन्होंने असिस्टेंट नर्सिंग सिस्टर कर दिया। तीसरी हमारी डिमांड है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, जो मेरा पद था अधिकारी रैंक का पद था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। सब कुछ करने के बाद 2 अगस्त को ये मेरी हड़ताल होनी थी, लेकिन माननीय जेपी नड्डा साहब के लिखित आश्वासन के बाद उन्होंने कहा था कि 30 तारीख से हम आपका 30 दिन के अंदर आपका काम पूरा करेंगे। मेरा 30 दिन 1 सितंबर को हो रहा है, 2 सितंबर को ऑल ओवर इंडिया की नर्सेज मैडम जी के खुराना के नेतृत्व में हड़ताल पर जा चुकी हैं, पूरी इमरजेंसी सेवाएं सब ठप कर दी हैं। ऐसे में एक चीज साफ है, अगर ये नर्सें लगातार हड़ताल पर रही तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा आ जाएगी, क्योंकि डेंगू समेत कई बीमारी उत्तर प्रदेश में फैली हुई है और यहाँ के अस्पताल सारे फुल है, और नर्सों पर ही इन मरीजों को देखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर एक मरीज को मुश्किल से 2 से 3 मिनट देता है, जबकि नर्सें 24 घंटे मरीजों के लिए तत्पर रहती हैं। कैमरामैन मीनहाज के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस लखनऊ।